नंबर टू मोड ऑफ सी इंटू वैक्टर वी इज इक्वल टू मोड ऑफ सी इंटू मोड ऑफ वी हम इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं प्रूव वेक्टर v को कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं v इज इक्वल टू x कोमा वाई अब हम v का मैग्नीट्यूड लेते हैं मोड ऑफ v विच इज इक्वल टू अंडर रूट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फर्दर

इन दिस केस v इज इक्वल टू जीरो कोमा जीरो विच इज इक्वल टू जीरो वेक्टर अब हम दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं प्रूफ वेक्टर v को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं v इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई c कोई एक रियल नंबर है c इन टू का मैग्निट्यूड इज इक्वल टू सी एक्स कोमा सी वाई का मैग्निट्यूड विच इज इक्वल टू अंडर रूट सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी वाई स्क्वेयर C square को हम कॉमन ले लेंगे और अंडर रूट को दोनों के ऊपर कर देंगे C square, से cancel C आ जाएगा जाएगा और रह जो कि के, magnitude of v के है तो हमने यही प्रूव करना था मोड ऑफ सी फैक्टर वी इज इक्वल टू सी इन मोड ऑफ फैक्टर वी एनदर नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स इन प्लेन वेक्टर को एक दूसरे तरीके से भी प्लेन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कुछ खास वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। का मैग्नीट्यूड 1, 1, 1 है और का मैग्नीट्यूड भी 1 ही है। अब हम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं U is equal to X, इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं जिससे हमारे पास एक्स कोमा जीरो प्लस आ इक्वल ले है, है इनकी वैल्यू को पुट करेंगे जिससे यू की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे आ जाएगी वेक्टर u को आई और j की फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं u इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे अब दो वेक्टर्स u और v के सम को देखते हैं। i और j को इस्तेमाल करते हुए, u is equal to x कोमा y, v is equal to x dash कोमा y dash। वेक्टर u plus वेक्टर v is equal to x plus x dash कोमा y plus y dash। इसको अब हम i और j की फॉर्म में लिखते हैं। x plus x dash into i plus y into y dash into j।

कोमा माइनस थ्री प्लस फाइव आ जाएगा इनको सॉल्व करने से हमारे पास थ्री कोमा टू आ जाएगा नेक्स्ट इज फोर वी प्लस टू डब्ल्यू सबसे पहले v और w की वैल्यू को पुट करेंगे 4 v से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 w की एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसे हमारे पास 4 कोमा माइनस ट्वेल्व प्लस आ जाएगा अब

सॉल्व करने से हमारे पास वन प्लस नाइन विच इज इक्वल टू अंडर टेन आ जाएगा उम्मीद है कि आपको इस एग्जांपल की समझ आ गई होगी इस तरह अब हम अगली एग्जांपल को देखते हैं एग्जांपल नंबर टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन टू द वेक्टर v इज इक्वल टू थ्री कोमा माइनस फोर सोल्यूशन सबसे पहले हम वेक्टर v को लिखते हैं जो कि थ्री कोमा माइनस फोर है अब इसको i और j की फॉर्म में लिखते हैं थ्री आई

फाइव डिवाइड हो जाएगा जिससे हमारे पास थ्री ओवर फाइव कोमा माइनस फोर ओवर फाइव हासिल हो जाएगा उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज